दोस्तों जो माल लोडिंग करने जा रहे हैं ना हम, वो माल है हमारा जबलपुर का। तो यहाँ से समथिंग जबलपुर है 1200 किलोमीटर, तो अभी लॉन्ग ट्रिप होने वाली है भाई। और आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे ना कि विक्की भाई भाड़े थोड़े बताया करो और खर्चा बचत का वीडियो भी डाला करो ऐसा करके। Hey guys, welcome back to the channel, विकी ट्रैकिंग ब्लॉग। करते भाई अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और करते हैं इस वाले ब्लॉग का स्टार्ट। आप लोगों को पता होगा मैं आया था भाई अपनी गाड़ी लोड करके खेतिया से धर्मपुर का माल। गाड़ी अपनी ये रही, देख सकते हो गाड़ी लगभग खाली हो चुकी भाई। और गाड़ी हम भर के आए थे तीन गाड़ी, बबलू भाई की गाड़ी, दिनेश भाई की गाड़ी और मेरी गाड़ी। तो अभी ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोस्तों धर्मपुर गुजरात से। गाड़ी खाली करके हमको सीधा चलना है वापी, और अपनी एक गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी हुई है 94 वापी में। तो देख सकते भाई अपनी गड्डी ये रही इधर, बबलू भाई की गाड़ी आधा किलोमीटर आगे खाली हो रही है और दिनेश भाई की गाड़ी और हमारी दोनों गाड़ी साथ साथ में खाली हो रही है। फिलहाल मैं बता दें थोड़ा सा बाहर का व्यू आप लोगों को, तो चेक करो भाई बाहर का नज़ारा। चलो चलते अभी, क्या खाना वाना बना रहे हैं तो आप लोगों को बताते हैं खाने में क्या बन रहा है ना। चलते हैं गाड़ी के पास, दिनेश भाई की गाड़ी में खाना बन रहा अपनी, देख सकते हो इतनी बची है गाड़ी। और इधर पिकअप में क्रॉसिंग चल रहा है, बाकी दिनेश भाई की गाड़ी वो रही देख सकते हो आप लोग। बबलू भाई की गाड़ी आगे खाली हो रही है, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है। गाड़िया चलते भाई, देख के जाना पड़ेगा। देखते भाई खाना बना रहे किधर है, नीचे बैठे देखो ये रहे इधर। ओ भैया जी क्या हाल है, आता हूँ उधर ही आता हूँ। हमारे काम वाली भाई इधर खाना बनाते हुए देख सकते हैं दोस्तों, ये रही हमारे काम वाली भाई खाना बना रही है इधर, और तीनों की तीनों लगी हुई देखो। ये देखो दोस्तों बन रहा है खाना, बटन मार रहे हैं। इधर आलू काटे है, टमाटर है, उधर लहसुन है, और क्या बनेगा दिनेश भैया? खिचड़ी। खिचड़ी 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 खिचड़ी, ये जल्दी काम हो जाता अपना, क्यों रोटी बनाई फिर सब्जी बनाई, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, टाइम लगता है। हाँ टाइम भी लगता है, और बाकी रोटी वगैरह अभी खाएंगे ये दिनों में, तो नींद भी बहुत जल्दी आती है दिन में, क्यों नींद आती ना। और ये चावल जल्दी हजम हो जाती है। हाँ फूफा जी क्या हाल है? बस बढ़िया है। बबलू भैया क्या हाल है? बढ़िया है, चल रहा है काम, चल रहा है क्यों खाना बनाने का। हाँ फूफा जी कुछ बोल रहे थे, खाना बना रहे, खाना बना रहे, चावल बना रहे, चावल बना रहे। चलो चलो ठीक है। बबलू भाई कितनी गाड़ी हुई आपकी खाली? आधी हो गई। आधी आधी हो गई। और दिनेश भाई की गाड़ी? मेरी भी हो गई थोड़ी सी बची थी। देखा देते हैं ना यार, देखो यहाँ पे खाली हो रहा भाई अपना माल, ईश्वर भैया के यहाँ पे वो हो रहे उधर ईश्वर भैया। देख सकते हो ये कुछ बचा है कि नहीं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। हाँ थोड़ा सा बचा हुआ माल। चलो भाई खाली वाली करते हैं, उसके बाद में जो है ना वापिस चलेंगे सीधा, पहले तो खाना खाएंगे उसके बाद में आगे जाएंगे। ये हम आलू डाल रहे हैं। चावल तो बनी रही है, बाकी एक तरबूज लेके आए पापा जी, इसको हलाल करो खाएंगे यार तब तक। दोस्तों खाना वाना हो गया अपना, और अपने पीछे के जो फट्टे हैं ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, वो मैंने बाल्टी निकाल ली, एक बाल्टी पानी लाएंगे और इनको धो देंगे अच्छे से। बाकी गाड़ी तो गंदी हो रखी, और भरने के बाद में घर जाएंगे ना तो गाड़ी को धोएंगे। ये रही बाल्टी, इनको धो देते पहले, मेन चीज़ अपने फट्टे है भाई, पीछे ज़रा झका दिखना चाहिए। बबलू भैया भी ये रहे। बबलू भैया आपकी गाड़ी कितनी खाली हुई? हाँ आप हमारे साथ में सुबह से आए हैं। दिनेश भाई की गाड़ी थोड़ी सी बची और अपनी गाड़ी तो हो ही गई है खाली। दिनेश की गाड़ी में भी ट्राला लग गया है। ट्राला लग गया है। मैजिक लगा हुआ है। दिनेश भाई की गाड़ी भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद खाली। चलो मैं पानी लेकर के आता हूँ। बड़ा होके ट्राला बनूंगा। ये रहा ये रहा। चलो पानी भर के लाते हैं। थोड़ा सा बाहर का व्यू चेक करो भाई, मस्त वाला।
हम जहाँ खाली कर रहे हैं ना इन सेठ जी का क्या बोलते हैं नर्सरी का काम भी है, तो पेड़ पौधे ये देख सकते हो काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। बारिश में इनका काम फिर ये बचेगा, क्योंकि तरबूज तो ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर नर्सरी का काम करेंगे। इधर गाड़ी के फट्टे वट्टे धो दिए मैंने, और अभी भाड़ा वाड़ा लेते हैं दिनेश भाई की जो गाड़ी है ना, थोड़ा सा माल बचा है वो खाली करके सीधे वापस आएंगे। बबलू भाई की गाड़ी भी खाली हो रही, थोड़ा सा माल बचा है वो भी वापस आएंगे। बाकी चौराने चौराने भरने के लिए गए हैं, और अपने को भी भरने के लिए जाना है। गाड़ी माल कन्फर्म हो चुका है, और गाड़ी मैंने यहाँ से हटा के उधर कर दी है, तो भाड़ा थोड़ा ले लेते हैं। बबलू भाई आप आओ, फट्टी वट्टी खाली करके वापस में मिलते हैं ना, तो लेते हैं सेठ जी से भाड़ा। भाड़ा दे दीजिए सेठ जी। भाड़ा दे रहा हूँ मैं अभी, सीधी पार्टी का भाड़ा बहुत बना है ये अभी ये ट्रिप में, वजन भी लाए ना 13 टन। चलो भाई भाड़ा थोड़ा लेना था ये दे दिया, रखते हैं जेब में। बाकी दिनेश भाई हम भाग रहे हैं वापी है ना, आओ मैं गाड़ी लोड करता हूँ, तब तक आप भी आ जाएंगे और आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा लोड, तो फिर साथ में चलेंगे चार गाड़ी। तीन आए चार जाएंगे, अपनी चौराने भी भरा रही है। चाकू देख ले वहाँ एक नहीं, मेरे जेब में है, उठा लिया चाकू वाकू, चले है ना, मिलते हैं। चलो भाई दिनेश भाई की गाड़ी थोड़ी सी बची है, तो ये खाली कर लेंगे और आएंगे वापिस। बबलू भाई भी उधर ही आएंगे, मैं चलता हूँ। निकल पड़े हैं दोस्तों, और गर्मी भाई इस कदर की हो रही ना, हवा चल रही फिर भी गर्मी हो रही है खतरनाक वाली, देख रहे भैया। हाँ हाँ हाँ, खतरनाक गर्मी हो रही है। क्या पापा जी, ठंड लग रही, गर्मी हो रही है। देखो भाई इधर नदी में से रेत निकाल रही है, देखो घर के कामों के लिए। छोटी सी नदी है, इतनी ज्यादा रेत भी नहीं निकलेगी, ट्रैक्टर की आधी ट्राली एक ट्राली निकलेगा बस। और अपने को है ना पारड़ी चलना है, पारड़ी करके गांव है ये, वापिस है सूरत की तरफ जाते हुए फोर लाइन के ऊपर, तो आगे नाना पोंडा आएगा, नाना पोंडा से राइट टर्न में लेंगे तो डायरेक्ट पारड़ी निकल जाएंगे, और अगर सीधा जाएंगे तो वापिस जाना पड़ेगा, और वापिस से वापस घूम के आना पड़ेगा, तो लंबा भी पड़ेगा और दूसरी बात टोल टैक्स भी लग जाएगा। तो यहाँ से नाना पोंडा से सीधा सीधा चले जाएंगे पारड़ी। ये रहा दोस्तों नाना पोंडा, और ये सीधा वापिस जाएगा, और ये जो रोड दिख रहा है ना इधर, ये नासिक जाएगा, और अपने को यहाँ से राइट टर्न लेके सीधा चलना है, जो है कि आगे निकलेगा क्या बोलते हैं पारड़ी। क्या लाना है फूफा जी? माजा लिया, माजा ठंडा पीना, माजा थंदा, थंदा। चलो जाता हूँ भाई मैं ठंडा लेके आता हूँ, माजा पीना बोल रहे फूफा जी। भैया एक माजा देना छोटी वाली, ले लिया दोस्तों एक माजा, देख सकते हो, और पीते पीते एंजॉय करते चलते भाई। ये आ गए दोस्तों हम हाईवे पर, नेशनल 8 नंबर हाईवे पर, और ये है पारड़ी गांव, और अपने को चलना है भाई थोड़ा सा आगे 4 किलोमीटर यहाँ से, और हम जा रहे हैं वापी साइड में, ये वापी बम्बई साइड में जा रहे हैं हम अभी। दोस्तों जो माल लोडिंग करने जा रहे हैं ना हम, वो माल है हमारा जबलपुर का, तो यहाँ से समथिंग जबलपुर है 1200 किलोमीटर, तो अभी लॉन्ग ट्रिप होने वाली है भाई। और आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे ना कि विक्की भाई भाड़े थोड़े बताया करो और खर्चा बचत का वीडियो भी डाला करो ऐसा करके, तो आप लोगों को पूरी ट्रिप कम्प्लीट होने के बाद में ना इस ट्रिप में क्या बचत हुई वो वाला वीडियो मैं बनाऊंगा, पूरी ट्रिप कम्प्लीट हो जाने दो। बाकी अभी गाड़ी वाड़ी अपनी लोडिंग करते हैं और चलते हैं सीधे कंपनी में, यहाँ से इस रोड को छोड़ेंगे और वापस यू टर्न लेना है अपने को, और उस वाले हाईवे पे वापस से आना है, तो यहाँ से टर्न लेंगे और वो ब्रिज के नीचे से घूमकर वापस उस रोड पे लगना है। ये रे तुलसी होटल, और इसके पीछे है ये कंपनी, और पिछली वाली जो ट्रिप है ना यहीं से भर के गया था मैं, और उस ट्रिप के बाद में है ना अब आ रहा हूँ समझ लो,
तो 9 दिन, आज 10 दिन हो गए। जान दो फूफा जी सीधा अंदर और राइट टर्न लेना यहाँ से अपने को। दोस्तों ये रही कंपनी और यहाँ से अपनी गाड़ी लोडिंग होगी। एसी लगा के खोल ले। रस्सा तिरपाल खोलना है तो अपने को है ना छांव में लगाना पड़ेगा, वो वहाँ लगा लो अभी फिलहाल में। अपना दोस्तों अपने को रस्सा तिरपाल खोलना है ऊपर का, ये तिरपाल है ना, और रस्सा सब हटाना है क्योंकि बॉडी से 1-8 फीट माल ऊपर जाएगा, तो इसीलिए खोलना पड़ेगा। गाड़ी में रिवर्स लेके आया हूँ वो वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे है ना देख सकते हो छांव में मस्त, और धूप में भाई कड़कती धूप में 12 बज जाएगी अगर काम करेंगे तो, इसलिए छांव में लगा ली। खोलते भाई रस्सा तिरपाल, फिर मिलते आप लोगों से। खोल दिया रस्सा तिरपाल दोस्तों और धूप में 12 बजी भाई कड़कती धूप और काम करना 12 बज जाती है। गाड़ी अपनी वो वहाँ पे लगा ली है, एंट्री करवाने चलते भाई। फूफा जी बैठे छांव में आराम से। और सर जी क्या हाल है, बढ़िया? हाँ सर एंट्री कर दीजिए। ठीक चलो भाई एंट्री करवा दी, फाइल वगैरह रख देते भाई गाड़ी में। लगा दिए दोस्तों गाड़ी वाड़ी, फट्टे वट्टे खोल के भी यहाँ पे रख दिए हमने। और मैं सोच रहा हूँ ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि भाई अभी जो है ना हमको जाना है जबलपुर, और समझ लो यहाँ से 1150-1200 किलोमीटर अपने को गाड़ी चलाना है। तो गाड़ी वाड़ी यहाँ लोड करेंगे उसके बाद निकलेंगे, और दूसरा वाला ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करूँगा। बबलू भाई की गाड़ी भी भरने चले गए, 94 भी भरने चले गए हैं और अपनी भी भरा रही। बाकी दिनेश भाई को फ़ोन नहीं किया है मैंने, तो दिनेश भाई को एक बार लगा लेता हूँ मैं और पूछ लेता हूँ, फिर 4 गाड़ी साथ साथ में हो जाएगी। उन तीनों गाड़ी का माल होएगा इंदौर का और अपना है भाई जबलपुर का। आप लोगों को पीछे वीडियो में भी बोला है मैंने और अभी फिर से भी बता देते भाई। और रखते भाई इस वाले ब्लॉग को यहीं तक। आज वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और करते आप लोगों को टाटा बाय बाय।